भाई देख रहे हो, पहले पहुंचने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमेशा लेट ही पहुंचो, चाहे 5 मिनट लेट पहुंचो या 10 मिनट लेट पहुंचो। द्वारा बोलो, क्या बोला था? कैमरा ऑन नहीं था भाई, अभी कैमरा ऑन हुआ है अपना। द्वारा बोलो अपना। कहा है अपना? मैंने सोचा 8,000 सीटिंग है, लेकिन 8,000 नहीं है, ये 80 है। 80 तो है। अरे क्या हुआ, ऐसा क्या सीन हो गया जो हंस रहे हैं? देखो भाई, ये हर्ष अजीब सारा का साउथ अफ्रीका प्लेयर, देखा सुना होगा तुमने। भाई यार, प्रवीण कुमार भाई अपने स्विंग बॉलर। देखो भाई रैना भाई अपने, या भाई रैना भाई, रैना भाई से मिल लिए। देखो रैना भाई को हमने सामने सामने देख लिया। अरे रुक जाओ, तुम्हारी फोटो भी खींचते भाई, देखो ये देखो रैना भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई आज सुबह सुबह रे मैं आपको बहुत जल्दी गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह का टाइम हो रहा है 7:45, मतलब 7:45 वैसे तो मैं 6:15 बजे उठ गया था, और 7:45 बजे का सुबह की मॉर्निंग देख रहे भाई। अभी तो ये स्ट्रीट लाइट नहीं है, लेकिन अंधेरा ही हो रहा है, तो अपनी आंखों से देख रहा तो अंधेरा ही है भाई। लेकिन भाई मैं आज, मेरे को जाना है ग्रेटर नोएडा स्टेडियम, जहाँ पे ये लीग होने वाली है, इंडियन वेटरन क्रिकेट लीग, तो वाले स्टेडियम में जाना आज। बस सेटअप है, अभी मैंने गर्म पानी रख दिया है भाई, गर्म पानी होगा तो हम फटाफट जाके नहाएंगे। लेकिन सीन यह है कि भाई मम्मी भी उठ चुकी हैं, क्योंकि अगर हम उठ रहे हैं तो मम्मी भी उठ गई है, क्योंकि भाई और पापा तो सो ही रहे हैं, क्योंकि पापा तो कल रात में लेट आए थे, तो उसकी वजह से सो ही रहे हैं। बाकी यार अपना तैयार होते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, जा रहा हूँ मैं, चलो बाय। चलो भाई घर से तो निकल गए, अब बस जाना है नोएडा, अब नोएडा जाके मिलते हैं तुम्हें, ठीक है भाई? नोएडा तक पहुंच गए अभी ना, थोड़ी देर पहले मम्मी का फ़ोन आया, मेट्रो में बैठा था तो मम्मी का फ़ोन आया, मेरे को लगा भाई मैं कुछ भूल गया घर पे, तो मैं याद करने लग गया, उन्होंने क्या भूल गया क्या भूल गया। फिर पापा ही कहते कहते सीट मिल गई ना, मैंने कहा, मैंने कहा अच्छा तुमने इसलिए फ़ोन करा क्या, कहते हाँ। मैंने कहा, मेरे को लगा भाई होता है ना जब घर वालों का फ़ोन आता है तुम कुछ भूल जाते हो घर पे, तो जब याद दिलाते घर वाले, तो मैंने कहा यार कुछ भूल गया। अब भाई पहुंच गए, वैसे तो कुछ भूला नहीं, चलो बढ़िया है, कुछ भूला नहीं, बट अब पहुंच गए हैं। अपना ये काला काला जो आ रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, काला काला आ गया ये आ गया रोशनी भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई नोएडा तो पहुंच गए, अब यहाँ से नोएडा से निकलेंगे ग्रेटर नोएडा वैभव के साथ में। हम तो पहुंच गए ऑफिस में, लेकिन जिसका ये ऑफिस है वो ही नहीं आया। कल मेरे को बड़ा बोल रहा था कि टाइम पर नहीं आओगे, लेट पहुंचोगे तो मैं भी लेट हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। अब पहले पहुंच गए तो भाई साहब आए नहीं है। भाई देख रहे हो, पहले पहुंचने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमेशा लेट ही पहुंचो, चाहे 5 मिनट लेट पहुंचो या 10 मिनट लेट पहुंचो, चाहे 2 मिनट लेट पहुंचो, लेकिन लेट पहुंचो, जब भी जाके वैल्यू होगी। जल्दी पहुंच के कोई वैल्यू नहीं होती है, बट क्या करें यार, आने दो। अब उसको बड़ा कर रहा था ना वो कि जल्दी आ जाओ, जल्दी पहुंच जाना, सबेरे आ जाना, 8:30-9 बजे करीब पहुंच जाना। लो जी भाई पहुंच गए, 8:50 पे पहुंच गए। और बोलो भाई साहब, ये अब आए हैं, ये अब निकले हैं, अब पहुंचेंगी गाड़ी 9 बजे, 10 मिनट लेट। यार निकल बाहर है, बाहर ही ना निकल रहा तो बंदा वहीं बैठा रहेगा क्या, और कहाँ से निकलेगा ये वाला? दरवाजा भी खोल दिया, ये भी दरवाजा खोल दिया, कौन निकल रहा भाई इसमें से, कितने बंदे निकलेंगे? चलो भाई फाइनली बंदा तो बाहर निकला, कोई तो बाहर आए, क्या क्या आए, क्या बोरिया बिस्सा रख रखा तुमने भाई? बैठे, ये क्या पन्नी चढ़ा रखी है? द्वारा बोलो, क्या बोला था? कैमरा ऑन नहीं था भाई, अभी कैमरा ऑन हुआ है अपना। द्वारा बोलो अपना, कहा है अपना? तो भाई स्टेडियम में पहुंच गए हैं, और जैसे तुम स्टेडियम में पहुंचोगे ना, तुम्हें एक बढ़िया प्लेयर दिखाई देगा, ये बढ़िया प्लेयर, ये टेस्ट मैच खेलता हुआ प्लेयर, लेकिन हमें पता नहीं भाई इसका नाम वाम क्या है। भाई नाम वाम बता दे यार अपना, छक्का मार रहा अपना। अभी चलते भाई ग्राउंड के अंदर, मैच शाम को रात में है, 7 बजे मैच है। यस, एक मैच है अभी, तो 6 बजे से 7 बजे से है। नवीन भाई मैच करना है, लेकिन ये नहीं पता मैच का टाइमिंग का है,
अच्छा कल 23 से एक मैच है। यस मनोज, सबसे पहला आगे काम मैंने यही करा है, फॉर्म भरने का। फॉर्म भरना, जब जाके आपको एंट्री मिलेंगे मनोज जी। अबे सोच के बोल रहे, क्या बोलूं मैं। यार फोटो तो खो गई यार वो। अरे मिल जाएगी, वहां जाओ ना आप, गैलरी में जाओ ना। अरे कोई सी भेज दो, कोई सी भेज दो बेटा, वो कैमरा वाली भेज दो भाई। अगर फोटो लगाए तो ढंग से फोटो लगाए ना, जब तो इंसान पहचान में आएगा। लेकिन आपको पता है मनोज भाई, वायरल हो गए थे। नया फोन आएगा यूट्यूब के पैसों से, वायरल तो हो गया था है ना। एक बार वो वायरल हुआ था ना वाली वीडियो से, जो उन्होंने पान खाया था। ओ भाई साहब, वो तो भाई वायरल था वो वाला सीन। वो सीन तगड़ा था वाला, वो तो सीन बढ़िया था मनोज जी। उसमें कम से कम आपके आ गए थे उसमें। क्या भेज दो तुझे? अरे घर का एड्रेस भेज दो बाबू, भेज दो। अरे बढ़िया है, हाँ हाँ भेज दो, भेज दो, भेज दो, भेज दो। इनका यही चलता रहता है यहाँ पे पिलर, वो मार देना। तो खाली आधार कार्ड यही भेजना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है तेरा? मनोज नहीं, नवीन। अच्छा नाम भूल गया तुम्हारा। देखो क्या क्या आ रहा तुम्हारे मन में, कुछ आ रहा क्या? बोल सकते गुरु जी है। गुरु जी प्रणाम। चलो भाई, चलो भाई, हो गया, भेज दिया इसको। अच्छा चलो ठीक है भाई, अपना स्टेडियम देख लो भाई, यही है ऑडियंस वाला सिटिंग, यही है। मैंने सोचा 8000 सीटिंग है, लेकिन 8000 नहीं है, ये 80 है। 80 तो है। अरे क्या हुआ, ऐसा क्या सीन हो गया जो हंस रहे हैं? अभी आधार कार्ड देख। हाँ आधार कार्ड बढ़िया है। क्या कर रहा तुम, मतलब मेरे को काम पे लगा के जा रहे हो तुम? अरे भाई भाई ऐसा हो गया, मतलब मैं यहाँ पर क्या आ गया, इनके फोन में चला रहा हूँ, अपना फोन भी चला रहा हूँ और इनका फोन भी चला रहा हूँ। ऐसा हो गया, इनको फोन चलाना नहीं आ रहा। कह रहा तू भर तू आया अंग्रेज सा लड़का। ये सारे हिंदी मीडियम आ रही है, देखो सुनार। ये पाजी भाई, ये देखो इसे भी इतनी सीटिंग अरेंजमेंट है, इतना ही है। यहाँ पे वाइट स्क्रीन लगेगी, यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। बाकी जो ग्रास दिख रहा है ना, ये इधर उधर सब ऐसे ही बैठेंगे इधर चारों तरफ। ये अपना क्रिकेट स्टेडियम नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का क्रिकेट स्टेडियम है भाई। अभी तो भाई सेटअप लगा रहा है, अभी तो तारे वारे बिछ रही है, देखो नवीन भाई बिछा रहे हैं यहाँ पर। बाकी सारा अभी काम हो जा रहा है, हर्षा गिफ्ट आ रखा भाई उधर। अब मेरे को ये बंदा समझ में नहीं आ रहा, ये बंदा खड़ा ना निकर कर में, मेरे को लगा तीसारा परे रहा कि कौन है, लेकिन हर्षा गिफ्ट सामने है, तो वो सीन है। देखो आओ इसके हाथ में फोटो वोटो शूट कराते हैं एक आध। देखो भाई ये हर्षा गिफ्ट सारा का साउथ अफ्रीका प्लेयर, देखो सुना होगा तुमने। सर के साथ में एक फोटो गई है हर्षा गिफ्ट के साथ में भाई सर, South Africa opener player. Yeah. Sir, how are you feeling now? Yeah, lovely. Lovely. Yeah, looks good. Wicket looks good. After so many years, you're yes, coming back to play cricket. Yes, long time. Long time. Need, yeah. I need to warm up for a day. Yeah. Need to warm up for a yeah. day. So. How's the weather, sir? Here? It's beautiful. Lovely. Nice. It's same cool. like a South Africa yes. condition there. Yes. Welcome, hello, sir. Welcome, welcome, welcome. How are you? Sir. Oh, thank you. Bye, buddy. Thank you very much. फोटो खिंचवाएंगे अभी, भाई ने बताया मेरे को, ये तो सारा बता रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। हैं जैसे राइडर है वो। अच्छा भाई ये तो पहचान में नहीं आया मेरे भी। ये तो भाई अभी स्पीच चल रही थी ऐसे कि सोती सारा परेरा, ये वार्म अप करेगा तो अभी इसको वार्म अप करने देते हैं, अपने चलते हैं अपने स्टेडियम के अंदर। तो क्या काम हो रहा अभी तो भाई, इनका तो हो गया, इनसे मिल गया हर्षा गिफ्ट से मिल गया भाई, तिसारा परेरा से मिल गया, तिसारा परेरा से मिल गया, हर्षा गिफ्ट से मिल गया भाई, दोनों से मिल गया। अभी ये कह रहे हैं कि सुरेश रैना आएगा 5 बजे, तो 5 बजे का इंतजार रहेगा, सुरेश रैना आएगा तो उससे मिलेंगे। चढ़ जाओ ऊपर, ये और ब्रांडिंग हो रही भाई, और ये घड़ी का टाइम देखो भाई, 4:10 हो रहा जो कि हो नहीं रहा। अरेंजमेंट की वो दिखाऊं सीटें, देखो भाई ये है सीटें। मेरे को नहीं लगता पब्लिक इधर आएगी बैठने बूटने, वहीं बैठेगी घासों में अपनी बिहेवियर लेके साथ में, ऐसे बैठना उन्हें भी। ये है स्टेडियम भाई, यहाँ बैठ जाएगी पब्लिक, वहाँ बैठ जाएगी पब्लिक, वहाँ बैठ जाएगी पब्लिक वाले पे, यहाँ बैठ जाएगी पब्लिक, और यहाँ बैठ जाएगी, यहाँ बैठ जाएगी, यही चल रहा भाई। छोटा सा ग्राउंड है लेकिन सही है भाई। ये देख रहे हो 3 रेजर इस पर लगेंगे कैमरा, 3 कैमरा लगेंगे इधर, ठीक है। और वो अपना मैनुअल, जो मैनुअल स्कोर चलता है ना, ये है मैनुअल स्कोर। बाकी तो भाई अभी
ये है ग्राउंड अपना, क्रिकेट स्टेडियम अपना। ऐसा फील आ रहा कि जैसे भाई न्यूजीलैंड में होता ना खुला खुला सा, तो वैसा ही फील है अपना। न्यूजीलैंड में मौसम बढ़िया रहता है एकदम, मज़ा आता है न्यूजीलैंड में काम करने में। और यहाँ पे तो भाई इतनी धूप, इतनी धूप, और वैसे भी दिन रात का मैच है यहाँ पर, तो ये है। अभी तो भाई पिच वगैरह तो बनी रही है उधर, सारा काम हम चल ही रहा, अभी तो कुछ ना हुआ, तारे वारे बिछ रही हैं, सब कुछ चल रहा अभी तो। बस भाई यही है छोटा सा अपना क्रिकेट स्टेडियम ग्रेटर नोएडा का, ये देख लो भाई। ये टूर कराने वाला मेरे को कोई सिस्टम तो ऐसा लगा नहीं कि भाई टूर तुम्हें कराना चाहिए, तुम्हें दिखाना चाहिए। तो भाई बस ये देख लो, एक फ्लड लाइट है, एक फ्लड लाइट है, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, चार तो इधर ही दिख गई, पांच ही हो गई, पांच छः, छः हैं भाई, छः फ्लड लाइट है। इधर भी अपना कैमरा लगेगा ऊपर, तीन कैमरा लगते हैं ऊपर। ये छोटा सा क्रिकेट स्टेडियम, दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात विकेट है भाई। देखिए कौन सी उस पर खेलेगा, इस वाली पे, तीसरी वाली पे, इस वाली पे खेलेगा, तीसरी वाली पे, तीसरी वाली पे तो पानी डाल रहे हैं ये, तीसरी वाली पे खेला जाएगा क्योंकि इसी को तैयार कर रहा है। पता नहीं, देखो भाई क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी ये भाई हमारे हैं शीशपाल भाई, ये हमारे ग्वालियर सा है, ये हमारे बीसीसीआई के बंदे हैं। नहीं नहीं भाई कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया मैंने। ये देखो भाई पूरा मिट्टी मिट्टी, ये ऐसे लग ही जाएगी भाई इनके प्लेयरों के तो। एक मैं अभी पौंडीचेरी में था, उधर भी ऐसे सारे डॉट्स ऐसे पड़े थे भाई। अभी ऊपर आया है कमेंट्री बॉक्स रख के, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए ना वो कौन सी, वो कौन सी रेड कार्पेट वाली वो फील होती है ना, ग्रीन कार्पेट, रेड कार्पेट वाली फील दी गई है कि आओ तुम यहाँ से उतरो। लेकिन भाई शाम का मौसम हो गया, इवनिंग वाला टाइम हो गया, अभी हम काम हम खत्म करके ही बैठे थे, ऊपर आया कमेंट्री रूम भाई, ऊपर ही चलते हैं। ये जब से चार दस ही हो रहा है भाई सुबह से, सुबह से चार दस ही है, ऊपर चलते हैं। मेरे ख्याल से भाई कहाँ से होगा और ऊपर, चलो भाई ऊपर चल के देखते हैं कमेंट्री बॉक्स। तो भाई वीवीआईपी एरिया में आ गए हम, देख रहे हो इधर की चेयर और इधर का नज़ारा देखो भाई। ये यहाँ से बाहर निकल जाओ, ये लगे हम अपने नरेश भाई कैमरामैन, और भाई इधर का नज़ारा देखो भाई, फुल स्टेडियम, फुल व्यू देखो भाई अपना, ये है बढ़िया। अरे कमेंट्री रूम बताओ भाई, हम पता नहीं कहाँ चले आ गए। कमेंट्री मेरे ख्याल से यहाँ तो नहीं भाई, ऊपर तो किधर है और किधर ऊपर जाए, नीचे होना चाहिए, नीचे, नीचे ये हाँ। लेकिन भाई ये तो चेयर, चेयरमैन कुछ दिखा रहा था, चेयरमैन नहीं 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 चेयरमैन। यहाँ से देखो भाई ये दिखता पूरा पूरा व्यू कैमरे से, नरेश भाई के मजे ऊपर खड़े हो जाओ, मस्त व्यू देखो अपना टोटल है, फुल मजे है तुम्हारे। और अभी तो दोपहर में मजे ले रहे थे, वो भी दिख रहे थे ना। अरे वो तो हमारी मजे है, बाकी मनोज भाई को देखो। मनोज भाई अकेले काम कर रहे हैं। मनोज भाई का कैमरा सेट ही नहीं हो रहा, देखो वो लगे कैमरामैन लगे। ये देखो अपना नवीन भाई कहाँ गए, नवीन हो रहा फॉरन पे, कहाँ है, अच्छा फॉरन पे। वाह भाई, भाई उसको कहते हैं जो हमारे से दूर हो ना उसको कहते हैं फॉरन, और जो हमारे करीब है उसको कहते हैं नियर एंड। ठीक है भाई समझ लिया तुमने क्रिकेट का थोड़ा बहुत, चलो बहुत बढ़िया। दिखा दो फिर मिड विकेट भी दिखा दो। लो भाई सूरज देख लो, अरे वो मिड विकेट, मून देख लो, मून चंद्रमा, हां तो वही तो कह रहा, मून देख लो भाई, चंद्रमा भाई। यारे प्रवीण कुमार भाई अपने स्विंग बॉलर, देखो भाई रैना भाई अपने, रैना भाई से भी मिल लिया, देखो रैना भाई को हमने सामने सामने देख लिया। अरे रुक जाओ तुम्हारी फोटो भी खींचते भाई, देखो ये देखो रैना भाई। तो जी भाई पहुंच गए हम कॉम बॉक्स के अंदर, ये अपना छोटा सा कॉम बॉक्स, यहाँ पे दो कमेंटेटर बैठेंगे और ये पूरा व्यू देखेंगे, यहाँ से पूरा मैच का मुआयना चलेगा। लेकिन यहाँ पे पीजीएम है नहीं, अभी पीजीएम लगा नहीं है तो कुछ नहीं पता, और हमारे स्कोरर भाई कहाँ बैठेंगे वो भी नहीं पता हमें। तो भाई नीचे चलते हैं, कुछ ना पता लग रहा हमें, बेस्ती हो रही है हमारे यहाँ आके, और कुछ ना हो रहा, बेस्ती पे आया हम यहाँ पे, नाम की बड़ी लेके और कुछ नहीं इधर। तो भाई हम सीधा अपना दिनचर्या खत्म करके हम सीधा अपने रूम पे पहुँच गए, और बस अब भाई सोने की तैयारी है अपनी। भाई अपना कर रहे हैं, अब क्या कुछ काम करोगे, लैपटॉप खोल लिया है, कुछ काम करोगे, मैं भी करूँगा, मेरे को भी ब्लॉग एडिट करना अपना, ये ब्लॉग खत्म करने के बाद मैं ब्लॉग एडिट करूँगा। बाकी भाई कपड़े वपड़े चेंज करिए, सबको ऐसे रख दिया,
लेकिन भाई तुम्हें दिखाऊं ये बेडशीट, इसके बहुत राज है हमारे पास में। ये बहुत राज खोल दिए आज ये। लेकिन हो सकता है कल हम शायद रूम चेंज कर दे, क्योंकि भाई समझ में नहीं ये ऑर्डिनरी यहाँ क्या लगा रखी है इसने, ये ऑर्डिनरी यहाँ पे कौन सा बदबू दिखाई दे रहा है। ये देखो ये ऑर्डिनरी लगा रखी है, वाह ये बढ़िया कर रखा है इसने। फ्रिज ले रखी है भाई, किचन है अपनी, और ये अपना वॉशरूम, ज्यादा नहीं खाते गंदी चीज। बाकी ये बालकनी, और बालकनी से तो मैं अभी व्यू दिखाऊं, बढ़िया व्यू। ये सुबह तो बढ़िया लगेगा, लेकिन अभी रात का व्यू देखो, ये देख रहे हो भाई। गैस कर सकता हूँ कौन से फ्लोर पे है, इतना नीचे है, ऊपर है, सॉरी नीचे कह रहा हूँ, इतना ऊपर है। हवा चल रही है बड़ी मजेदार, बहुत मजेदार हवा चल रही है। ये आपको ना सुबह दिखाऊंगा कि सुबह कैसा लगता है अपना बालकनी से व्यू। बाकी यार ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाकी मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में। बाकी बाय और गुड नाइट।